खबर राजधानी पटना से, जहां पेट्रोल पंप पर बकाया पैसों को लेकर अब पटना पुलिस की गाड़ियों को तेल नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण थाना अध्यक्षों की समस्या बढ़ गई है। तेल लेने आए 112 की गाड़ी को पेट्रोल पंप कर्मी ने बिना तेल दिए ही लौटा दिया। पुलिस कर्मी की माने तो इसी पंप से पटना सेंट्रल क्षेत्र का तेल जाता है। ज्यादा बकाया हो जाने के कारण पंप के द्वारा पुलिस की गाड़ियों को तेल नहीं दिया जा रहा है और कूपन लेकर पुलिस कर्मी को निराश ही लौटना पड़ रहा है। तो कैसे अब हम कोतवाली ERV2 ड्राइवर हैं, उनको हमको बताया गया कि आप जाइए पेट्रोल पंप से तेल लीजिए। हम आए तो यहाँ पर बताया गया कि अभी तेल नहीं मिलेगा, आदेश नहीं हुआ है, पैसा के वजह से शायद जो भी है। अब तो ये चीज़ हम नहीं बता सकते। अधिकारियों से बात करवाई पेट्रोल पंप मैनेजर से? हमारे मुंशी सर ने आदेश दिया था वहाँ से, तो फिर आके वो मुंशी सर से हमने बात कराया तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, अभी आदेश नहीं है, आदेश आ जाएगा तो हो सकता है कल आ जाए, तो हमको देने में क्या दिक्कत। बस्ती में तो काफ़ी समस्याएं हैं। हम तो हो ही रहा है। क्या नाम? पेट्रोल टंकी के पास। तो क्या कहा गया है? पेट्रोल नहीं दिया गया। क्यों? बोला कि अभी आदेश नहीं हुआ है। ऐसे तो बस्ती में काफ़ी समस्याएं आएंगी आप लोग। समस्या तो आएगी। क्या नाम है? रामू कुमार। कौन थाना से आते हैं आप? कोतवाली थाना। सभी थाना का तेल बंद है अभी? ये हमको पता नहीं है, ये हमको गाड़ी को तेल नहीं दी गई। नहीं, हमको नहीं दी गई।